हाय एवरीवन माय नेम इज़ निखिल एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि काइंड ऑफ पेनी स्टॉक है इट्स प्राइस इज़ अबाउट फिफ्टी फाइव रुपीज़ और ये आपको दे सकता है मल्टी बैगर रिटर्न इन टाइम टू कम्स कॉज इसका बैलेंस शीट मैंने पढ़ा है बहुत अच्छा है इसके फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस स्टॉक मैं इसका आपको नाम बता देता हूँ पहले uh, और अगर आप लोग गेस्ट कर पा रहे हो इस प्राइस रेंज पर इतना अच्छा स्टॉक कौन सा होगा एंड ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है तो अगर आप लोग गेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करो मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा सो so, अब इसका नाम देख लेते हैं हम लोग सो हेयर इज़ द नेम ऑफ दिस स्टॉक एंड इट इज़ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये वन डे का कैंडल लगा है इसका प्राइस देख सकते हो इस समय फिफ्टी फ़ाइव रुपीज़ पर चल रहा है एंड ये स्टॉक इस समय लेना क्यों अच्छा है बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है uh, अगर मैं इसका टॉप आपसे कहूँ तो विच इज़ अराउंड सेवेंटी सिक्स रुपीज़ और ये करेंटली फ़िफ्टी फ़ाइव रुपीज़ पर अवेलेबल है जो कि एक मैसिड डिस्काउंट है अगर देखा जाए तो अराउंड uh, ट्वेंटी से ट्वेंटी का डिस्काउंट मिल रहा है इस पर हम लोगों को एंड ये अपने दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है इस वजह से मैं ये बोलना चाहूँगा कि करेंटली ये बियरिश है एंड इसकी एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी ये राइट सो right. so, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसकी वजह से इसका डाउन ट्रेंड काफ़ी टाइम से कंटिन्यू होकर रखा हुआ है जिस दिन भी ये इसका ब्रेकआउट देगा एक शार्प मूव दिखा सकता है ऊपर की तरफ बट हम लोग को ब्रेकआउट पर नहीं खेलना है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स मैं आपको बाद में बता दूंगा एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोज़ इस वजह से नहीं आ रहे कॉज बजट है कल एंड कल जब बजट ओवर हो जाएगा देन आई विल डिस्कस अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स कॉज अभी स्विंग ट्रेड करना इज़ काइंड ऑफ रिस्की कॉज मार्केट एक वॉलेटाइल मूव शो कर सकता है ऑन इधर साइड सो ये स्टॉक लेना आपको क्यों चाहिए मेरे हिसाब से ये एक बैंकिंग सेक्टर है एंड बैंकिंग सेक्टर ग्रो होने के बहुत चांसेस हैं इंडिया में आगे चल के और सेकेंड चीज़ ये कि इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं हम लोग फाइनेंशियल्स की तरफ मूव करते हैं उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सपोर्ट्स क्या क्या है तो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी ब्लैक कलर की दिस वन ये इसका प्राइस है फिफ्टी रुपीज़ ठीक और फिफ्टी रुपीज़ इसका काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लाइन है जिसके ऊपर अगर आपको ये मिलता है जिसके आसपास भी ये मिलता है तो आप इसे एक्ूमुलेट कर सकते हो मतलब इसको बाई कर सकते हो करेंटली ये अपने सपोर्ट जोन से दस परसेंट ऊपर है जैसे आप देख सकते हो कि पचास रुपये का स्टॉक है और करेंटली फिफ्टी फाइव पर चल रहा है तो हम लोग अपनी एक एवरेजिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोग अपनी कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं देन यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं तो अपना एवरेज करीब करीब 50 के आसपास ही हो जाएगा राइट और अगर ये अपने पुराने वाले हाई तक भी चला गया तब भी हम लोग को एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट रिटर्न मिलेंगे राइट पचास रुपये से अगर पचहत्तर भी जाता है तो विच इज़ फिफ्टी परसेंट रिटर्न राइट तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है जिसको आप बाई कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो नाउ वी विल चेक इट्स फाइनेंशियल्स एंड इसके फंडामेंटल थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग कि वो कैसा लग रहा है वहाँ देखने में बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक लेना है तो या टेक्निकल्स डू मैटर बट फाइनेंशियल्स देखना और फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है मेरे अकॉर्डिंग तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं टिकट टेप पे और ये बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको इंस्टॉल करनी हो ये ऐप तो आप कर सकते हो मैं करेंटली इसको ब्राउजर पर ओपन कर रहा हूँ सो so, आप स्टॉक का नाम ऊपर देख सकते हो ये एकटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसका प्राइस यहाँ आप देख सकते हो ना इसका मैं आपको रिटर्न प्रोफाइल दिखाता हूँ कि इसने कैसे रिटर्न दिए हैं और ये हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो इसका वन ईयर रिटर्न देखते हैं हम लोग तो थर्टी फोर परसेंट इज़ नॉट अ बैड रिटर्न बट आप यहाँ देख सकते हो कि कितना लंबा कंसोलिडेशन है राइट right? ये एक बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन है इसका जिस दिन ब्रेकआउट आया मैं आपको खुद कह सकता हूँ कि इसको सेवेंटी फाइव जाने से कोई नहीं रोक सकता है राइट right? तो आप उसमें पोजिशनल प्ले भी कर सकते हो अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न कैसे दिए इसने तो इसके फाइव ईयर रिटर्न आप देखो जो कि अराउंड सिक्सटी एट हैं इतने फॉल होने के बाद ओके सो ये इस समय डिस्काउंटेड प्राइस में हम लोग को मिल रहा है ये बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे अकॉर्डिंग अब थोड़ा और नीचे आते हैं ना आप देख सकते हो कि एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही है एंट्री पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ए एस एम लिस्ट में ना जी एस एम लिस्ट में अब ए एस एम और जी एस एम लिस्ट क्या होती हैं ये अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा नाउ लुक एट इट्स पी ई रेशियो दिस इज़ बिलो ट्वेंटी राइट और बिलो ट्वेंटी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सस्ता नहीं बोलते हैं बट स्टिल इट्स अ गुड पी रेशियो ये ओवर वैल्यूड शेयर नहीं किसी भी एंगल uh, से और आप सेक्टर का पी ई देख सकते हो विच इज ट्वेंटी सेवन और इसका पी ई सेक्टर से काफ़ी कम है राइट प्राइस टू बुक रेशियो आप देखिए कितना कम है राइट right, अब थोड़ा और नीचे आ जाते हैं हम लोग ये देखिए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड अब इसके रेवेन्यूज हमेशा ग्रो हो रहे हैं ठीक एवरी ईयर रेवेन्यूज ग्रो हो रहे हैं एवरी ईयर प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं जो प्रॉफिट इसका 2018 में 0.03 था वो सेवन टाइम्स हो गया 2019 में आप ग्रो देख रहे हो और 2019 से टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक Uh, ये अराउंड फिफ़्टी परसेंट इंक्रीज़ हो चुका है तो ये डेढ़ गुना हो चुका है राइट इट इज़ वन हंड्रेड फिफ्टी परसेंट ग्रोथ इन प्रॉफिट्स ओके तो स्टॉक प्राइस में वो अभी तक फैक्टर नहीं हुआ है एंड ऐसे ही स्टॉक्स हम लोग को ढूंढने चाहिए कि जिसमें अभी तक हम लोग को प्राइस में उसकी जो वैल्यू है वो अभी तक फैक्टर इन नहीं हुई है अगर हो चुकी होती तो उसका प्राइस अराउंड एक सौ चल रहा होता है फिर हम लोग को लेने का कोई फ़ायदा ना होता राइट right? तो यही एक अच्छा समय है जिसमें आप ले सकते हो और हाँ एक स्टॉक और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करेंटली थर्टी टू थर्टी थ्री परसेंट डिस्काउंट पे वो स्टॉक मिल रहा है उसका नाम है आई उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा उसका तो अब थोड़ा और नीचे आते हैं एंड वी विल लुक एट इट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स ओके तो आप इनकम स्टेटमेंट देख सकते हो कि इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा इसका ग्रोथ है ठीक हम लोग को ग्रोथ कंपनी चाहिए होती है इसका वो है मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए मतलब मार्केट को अक्वायर करना चाहिए जितने बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक्स हैं जितनी कंपनीज़ हैं उसमें ये ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है और अपनी पकड़ बना रही है कि नहीं बना रही है बिल्कुल बना रही है अब इंडस्ट्री की नेट इनकम से ज़्यादा है कि नहीं है और वो भी ओवर द लास्ट फाइव ईयर्स मतलब पाँच साल के पीरियड में ये अपनी ग्रोथ दिखा रही है ऐसा नहीं कि एक साल दिखा दी तो फिर बस यहाँ पर लिख दिया किसी ने तो ये हम लोग को नज़र रखनी चाहिए इस चीज़ पे क्योंकि ये ये सब दिखा रही है अब हम लोग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देख लेते हैं अगर ईयरली इसका देखें हम लोग की टोटल रिवेन्यू कैसा रहे फोर्टी सेवन जो कि दो हज़ार तेरह में था उसे भूल जाइए कोरोना के आसपास का देखते हैं कोविड के आसपास का देखते हैं तो टू में इसका प्रॉफिट था ट्वेंटी करोड़ और राइट अब इसका कितना हो चुका था टू थाउजेंड में ट्वेंटी कोविड का कोई इंपैक्ट अभी तक नहीं दिख रहा है हम लोग को एज ऑफ नाउ अब ट्वेंटी में आप देखिए थर्टी विच इज़ मैसेव राइट इसमें डेंट आपको दिखा ही नहीं कहीं कोविड का अब हम लोग इसका प्रॉफिट देख लेते हैं <coughs> ये रहा इसका नेट इनकम और नेट इनकम में आप देखो बस एक अप ट्रेंड ही चल रहा है हमेशा से ये रहा कोविड का इम्पैक्ट और इसके बाद आप अप ट्रेंड देखो इसका मतलब तीन करोड़ से तीन सौ चौरासी करोड़ आई I मीन mean, और क्या चाहिए और क्या चाहिए किसी स्टॉक में आपको और इसने ग्रोथ दिखाई है अपने चार्ट पे बट अभी कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है जिस दिन इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे ये यह चल रहा है जिस दिन इसका ब्रेकआउट आया है ये हम पकड़ में नहीं आएगा मैं अभी बता रहा हूँ आपको तो ये आपको लेना चाहिए बट हाँ एक चीज है कि आपको अपनी एनालिसिस जरूर करनी है मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ कि हाँ लेना चाहिए मैं हाइप कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हाइप होकर तुरंत ले लो ओके तो ये आपको ध्यान रखना है और हम लोग इसकी कुछ चीजें और देख लेते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग कैसी है राइट नाउ लुक एट द होल्डिंग पैटर्न आप खुद देखो कि प्रोमोटर के पास 81 परसेंट इक्विटी है इस कंपनी की अब प्रोमोटर इतना ज़्यादा इक्विटी अपने पास क्यों रखता है सिर्फ एक रीज़न होता है उसका इतना अपने पास रखने का क्योंकि उसे अपने बिजनेस पे भरोसा है राइट जितना ज़्यादा प्रॉफिट आना चाह आएगा कंपनी से वो चाहता है कि वो उसके पास रहे आप समझ रहे हो अगर इसकी यहाँ पे कम होती और आप मान लो यहाँ पे थर्टी परसेंट के आसपास होती तो इसका मतलब क्या होता कि उसको खुद पर अपना भरोसा नहीं है इतनी कंपनी पर इसलिए वो उसको बेच रहा है धीरे धीरे करके या फिर ओवर द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स उसकी जो होल्डिंग है वो फिफ्टी से लेकर Uh, आपके नीचे डाउन जाती रह जाती जा रही है और वो फोटी तक आ चुकी है इसका मतलब क्या है कि वो प्रोमोटर अपना माल बेच रहा है धीरे धीरे बट इसमें ऐसा नहीं है इसकी होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ ये भी हम लोग का चेक मार्क हो गया ना म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग अच्छी है एफ की अभी इसमें एंट्री नहीं हुई है और यही एक अच्छी चीज़ है अगर एफ ने यहाँ पर एंट्री कर दी तो आप खुद सोच सकते हो कि ये स्टॉक लिटरली रॉकेट बन जाएगा जैसा बोला जाता है कि स्टॉक रॉकेट बन जाता है और यहाँ पर रिटेलर्स का आप देखो पोजिशन रिटेलर्स जैसे कौन होते हैं रिटेलर्स हम और आप ही रिटेलर्स हैं ठीक अब रिटेलर्स जिस स्टॉक में भर जाते हैं जिस स्टॉक में रिटेलर्स की इतनी ज़्यादा होल्डिंग होती है उसमें एफ सेल करना है, स्टार्ट करते हैं और फिर रिटेलर्स फंस जाते हैं इस समय रिटेलर्स इसमें ज़्यादा है ही नहीं यही एक मौका होता है हर एक स्टॉक को पहचानने का ये कैसे पहचाने जाते हैं कैसे देखे जाते हैं इसके ऊपर तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ लिटरली तो अगर आप चाहते हो ये सब सीखना तो आप बस चैनल के साथ जुड़े रहो एंड कोई भी अपडेट मिस ना करो उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपने खुद के लिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे चीज़ें कुछ मिस कर दोगे जो आपको कहीं नहीं पता चलेंगी देन आप लोग फिर देखा करोगे कि स्टॉक्स अरे यार ये पचास रुपये था नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट टू हंड्रेड रुपीज़ एंड हमने इसे मिस कर दिया ये तो चार गुना हो गया अब ऑपरेटर ने भगा दिया ये कर दिया वो कर दिया ऑपरेटर क्यों भगाता है ऑपरेटर इसीलिए भगाता है क्योंकि ये स्टॉक में दम है आप देख रहे हो इसकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी स्टेबल प्रोमोटर होल्डिंग है इतने टाइम में भी अब म्यूचुअल फंड्स की हम लोग देख लेते हैं कि इसकी होल्डिंग कैसी है लुक एट दिस चार्ट आई मीन तीन परसेंट से दस परसेंट तक म्यूचुअल फंड ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है अगर म्यूचुअल फंड्स वाले खरीद रहे हैं प्राइस नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो धीरे 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 माल उठा रहे हैं और उसमें वॉल्यूम्स आ रही हैं बट उसे हाइप नहीं कर रहे हैं जिस दिन हाइप हो जाता है उस दिन रिटेलर्स घुस जाते हैं एंड उस दिन म्यूचुअल फंड्स वाले निकलना स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर वो इतना महंगे पर नहीं खरीदना चाहते हो उस स्टॉक को ना इट्स अ ग्रोइंग कंपनी एंड इसे आप ज़रूर ले सकते हो ओके सो so, uh, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में इतना ही था एंड हाँ जोमैटो और पे के ऊपर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया अगर आप लोग को लग रहा है कि वो इस समय सस्ते मिल रहे हैं और उन्हें ख़रीदा जा सकता है तो आप लोग मेरा वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मेरी पूरी प्ले है लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में ऊपर तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो एंड उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स इस समय लेने चाहिए और कौन से नहीं उसमें मैंने आई का एंड देन जोमैटो का एंड पे का इन सब का मैंने उसमें रिव्यू दिया है अच्छे से और उसमें फाइनेंशियल्स और मैंने साथ साथ टेक्निकल दोनों डिस्कस करें अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में जानना है आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो आप उसका नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हो मैं आपको बता दूंगा उसके साथ क्या करना है एंड उसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए देन यू कैन आस्क मी फॉर दैट टू तो फ़िलहाल के लिए हम लोग ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो uh, अगर या सो आई वॉज टेलिंग यू कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप इन्वेस्टिंग की बातें वैर करते हो क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हाँ ना इसमें मैं एक चीज़ और बता रहा था कि ये है इसका वीकली चार्ट राइट और आप देख सकते हो कि ये वाला सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कॉज उसने यहाँ से विक बना के एक अच्छा खासा रिजेक्शन शो करा है अब यहाँ पर कौन सी कैंडल्स बन रही हैं आप अगर देख सकते हो अगर आप लोग को कैंडल्स के बारे में नहीं पता है तो आप लोग यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हो कोई भी आपको कैंडल्स के बारे में आराम से बता देगा राइट अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये आ, इनके कुछ नाम होते हैं राइट ये है डोजी कैंडल अब ये भी है एक डोजी कैंडल बट ये काइंड ऑफ हैमर है नीचे से आप रिजेक्शन देख रहे हो बस आपको इसी पे फोकस करना है कि प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है उसे रिजेक्ट करके ऊपर भेजा जा रहा है अब ये आगे चल के ग्रीन कैंडल अगर ऐसी बना देगा तो ये सुपर बुलिश हो जाएगा स्टॉक और इसकी अर्निंग्स भी आई थी एंड आई थिंक अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई हैं बट मैं एगनिंग से पूछता ज़्यादा मेरा इस समय ध्यान नहीं गया था कॉज मेरी इस स्टॉक में थोड़ी कम क्वांटिटी है एंड आई एम गोना इंक्रीज़ माई क्वांटिटी इन दिस स्टॉक सो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में और आप लोग अगर सजेस्ट करना चाहो किसी स्टॉक का नाम तो नीचे कॉमेंट में कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते हैं फिर कल तब तक के लिए गुड नाइट एंड अगर सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग